नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश सौ खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सिलसिला। टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार मिली। नागपुर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 47 रनों से करारी मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 12 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। 127 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 18.1 ओवर में 79 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज जम करके नहीं खेल सका। सबसे ज्यादा 30 रन कप्तान धोनी ने बनाए, जबकि विराट कोहली ने 23 रन की पारी खेली। टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का स्कोर नहीं पार कर पाए। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और टीम इंडिया पर दबाव बनाए रखा। स्पिनर मिचेल ने 4 विकेट चटकाए, जबकि ईश ने 3 और मैकलम ने 2 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी की टीम के ओपनर मार्टिन गप्टिल ने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर वर्ल्ड कप का शानदार आगाज किया, लेकिन अगली ही गेंद पर अश्विन ने गप्टिल को चलता कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को तेजी से रन नहीं बनाने दिया। सभी गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट पर 126 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अश्विन नेहरा, बुमराह, रैना और जडेजा को एक एक विकेट मिला, जबकि 2 बल्लेबाज रन आउट हुए। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ हर मैच जीतने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। दोनों टीमें 5 बार आमने सामने आ चुकी हैं टी20 में, लेकिन एक भी जीत टीम इंडिया ने दर्ज नहीं करवाई। कप्तान धोनी ने इस शर्मनाक हार के लिए घटिया बल्लेबाजी को जिम्मेदार ठहराया। धोनी का कहना है कि बल्लेबाज परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टी20 में जीत का साथ शुरुआत की। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 72 रन के विशाल अंतर से करारी मात दी। भारतीय महिला ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 91 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनिस ने कप्तान शाहिद अफरीदी का बचाव किया। वकार के मुताबिक अफरीदी ने अपने मन की बात कही, इसके लिए उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के लिए भारत पहुंचने के बाद अफरीदी ने कहा था कि उन्हें भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा प्यार मिलता है। उनके इस बयान की पाकिस्तान में जमकर आलोचना हो गई। इस बीच शाहिद अफरीदी बुखार की वजह से प्रैक्टिस करने नहीं पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत से जुड़े बयान पर हो रही खींचतान की वजह से उन्होंने प्रैक्टिस से दूर रहने का फैसला किया। वर्ल्ड टी20 में आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है। यह मैच कोलकाता में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला मुंबई में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। इस बीच पाकिस्तान की मॉडल कंदील बलोच ने कहा है कि 19 मार्च को होने वाले मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया तो पूरे मुल्क के लिए स्ट्रिप डांस करेंगी। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से गुजरात में घुसे 10 में से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। सूत्रों के मुताबिक तीनों आतंकियों को शुक्रवार को ही मार गिराया गया था, बाकी बचे 7 आतंकियों की तलाश जारी। इन आतंकियों की साजिश महाशिवरात्रि के दिन सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाने की थी, लेकिन पाकिस्तान से मिले अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की योजना को नाकाम कर दिया। यह पहला मौका था जब पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ से जुड़ी जानकारी भारत के साथ साझा उसने की। 6 मार्च को पाकिस्तान के एनएसए नासिर खान जंजुआ ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल को जानकारी दी थी। 200 भारतीय फौजियों के फोन हैक होने के IBM 7 के खुलासे के बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गई। केंद्रीय दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। देश की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मसले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। IBM 7 के रिपोर्टर अरुण सिंह ने उनसे सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। IBM 7 पर ऑपरेशन पाकिस्तान दिखाए जाने के बाद गूगल में भी हड़कंप मच गया। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से जासूसी के लिए इस्तेमाल किए गए ऐप को हटा दिया। स्मैश ऐप को हटाने के बाद गूगल ने सफाई दी कि वो ऐसे किसी ऐप को शामिल नहीं करते जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ हो। IBM 7 पर ऑपरेशन पाकिस्तान दिखाए जाने के बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक सेना का कोई भी फौजी या अधिकारी सोशल मीडिया पर अपनी पहचान नहीं जाहिर करेगा। साथ ही सभी को ये निर्देश भी दिए गए कि सोशल मीडिया पर कोई भी फौजी किसी भी ऑपरेशन की जानकारी भी साझा नहीं करेगा। ऑपरेशन पाकिस्तान में IBM 7 ने आपको दिखाया था कि कैसे भारतीय फौज और अर्धसैनिक बलों के 200 अधिकारियों के मोबाइल में मौजूद हर जानकारी पाकिस्तान को मिल रही है। ये सारी जानकारी गूगल प्ले स्टोर में मौजूद स्मैश ऐप के जरिए जर्मनी के एक सर्वर पर रिकॉर्ड होती है और इससे कोई भी आतंकवादी कितनी भी आसानी से सुन सकता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि केस में अपने बचाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से मदद मांगी। पार्टी ने आजाद से अपने पक्ष में गवाही देने की अपील की। सूत्रों के मुताबिक कीर्ति आजाद ने केजरीवाल के पक्ष में गवाही देने के लिए हामी भर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 नेताओं पर डीजीसीए मामले में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। अपनी पार्टी में हाशिए पर चल रहे वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की क्लास ली। इस क्लास में सिन्हा ने नए नवेले विधायकों को बजट की बारीकियां सिखाई। दलित विधानसभा में सिन्हा की मौजूदगी पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बिल्डरों पर नकेल कसने वाला रियल एस्टेट बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी बहुमत से पास हो गया। अब राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही रियल एस्टेट बिल कानून का रूप ले लेगा। बिल के कानूनी जामा पहनते ही बिल्डर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों को झांसा नहीं दे सकेंगे। मकान देने में देरी होने पर बिल्डर को जुर्माना भरना पड़ेगा और उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। केंद्र सरकार आज राज्यसभा में आधार बिल पेश करेगी। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। सरकार का कहना है कि इसकी मदद से सब्सिडी का पैसा लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग में फंसे टीएमसी सांसद मुकुल रॉय और स्वागत राय का मामला संसद में भी गूंजा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष से पूरे मामले की जांच करने की अपील की। बता दें कि एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग में एक दर्जन से ज्यादा टीएमसी नेता काम करवाने के लिए घूस लेते कैमरे में कैद हुए। बीजेपी ने सांसद की कमेटी से अपने कई सांसदों को बाहर निकालने का फैसला लिया। पार्टी ने यह फैसला कमेटी की बैठक में सांसदों की अनुपस्थिति को देखते हुए लिया। संसद की एस्टिमेट कमेटी से विनोद खन्ना, संजय जायसवाल, कीर्ति आजाद, ओम बिरला और गणेश सिंह को निकाला जाएगा। पीएसी ने एसएस अहुवालिया, दुष्यंत सिंह और रमेश पोखरियाल को बाहर किया जाएगा। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही उमर खालिद और अनिर्बान की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है। इस बीच कन्हैया समेत 5 छात्रों ने जेएनयू जांच कमेटी के नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। जवाब देने की समय सीमा आज शाम 5 बजे तक थी। कमेटी ने 5 छात्रों को जेएनयू से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। दिल्ली में जंतर मंतर पर जब कन्हैया अपना भाषण दे रहा था तभी गाजियाबाद के 4 छात्रों ने उसको रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी विधायक गणेश जोशी के घोड़े को मारने के मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि पार्टी ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर घोड़े को मारने के आरोपी विधायक गणेश जोशी ने नया वीडियो जारी किया जिसमें घोड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुचलता हुआ नजर आ रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने अपनी हरकत से पार्टी का नाम खराब किया है और उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने भुजबल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए हंगामा किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी भुजबल के समर्थन में उतर आए। पवार के मुताबिक दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का फैसला अकेले भुजबल का नहीं बल्कि कैबिनेट कमेटी का था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है कि जांच एजेंसियों ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। उधर भुजबल को 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। भारत माता की जय के नारे को लेकर विवादों में आए एआईएमएम अध्यक्ष ओवैसी अब कैमरे के सामने आकर जय हिंद बोलते दिख रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर उनके बयान के खिलाफ केस होता है तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। संघ विचारक एमजी वैद ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि संघ के कहने पर नारा ना लगाएं लेकिन जिन्ना के कहने पर तो लगाएंगे। बैंक का कर्ज लेकर विदेश भाग गए विजय माल्या पर बिहार में बना कार्टून चर्चा में है। दरअसल बिहार सरकार ने सुधा दूध के प्रचार के लिए एक कार्टून बनाया जिसमें लिखा है माल्या और भाग गया। माल्या पर मध्य प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनी को भी करोड़ों का चूना लगाने का आरोप लग रहा है। सरकारी कंपनी ने यूबी इंजीनियरिंग को सप्लाई के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 150 करोड़ का ठेका दिया था। यूबी इंजीनियरिंग को यह काम 18 महीने में पूरा करना था लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी कंपनी अपना काम पूरा नहीं कर पाई जबकि इसके लिए माल्या की कंपनी को 40 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया था। राजस्थान के गंगानगर में मुआवजे की मांग पर किसान को जेल में डालने की धमकी पर कलेक्टर के खिलाफ विकलियों ने मोर्चा निकाला। वकीलों ने मुख्यमंत्री से कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
पाकिस्तानी उच्चायुक्त के न्योते को हुर्रियत नेताओं ने कबूल कर लिया है। अब्दुल बासित ने 23 मार्च को पाकिस्तान डे पर होने वाले कार्यक्रम में हुर्रियत नेताओं को बुलाया था। जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया गया। यूनिवर्सिटी के वीसी के बेटे की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए सभी फैकल्टी मेंबर्स को 500-500 रुपए जमा कराने का फरमान सुनाया गया। इस आदेश के बाद शिक्षकों ने पैसा जमा कर 25,000 रुपए जुटाए और एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया। इससे पहले भी धांधली को लेकर ये यूनिवर्सिटी विवादों में आ चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कैलाश हॉस्टल में देर रात छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों ने कई टीचरों की गाड़ी में तोड़फोड़ की। ये छात्र हॉस्टल के वार्डन को हटाने की मांग कर रहे हैं। फैजाबाद के गुमनामी बाबा के बक्से में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की फोटो मिली है। आजाद हिंद फौज के अफसरों और आरएसएस के गोल वर्कर की भी चिट्ठियां उन बक्सों में मिली हैं। फैजाबाद कोषागार में रखा गुमनामी बाबा का 26वां और आखिरी बक्सा भी मंगलवार को खुल गया। अब तक पिछले 25 बक्सों में मिले सामान पहले ही गुमनामी बाबा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने की ओर इशारा करते रहे। मुंबई में एयर इंडिया की फ्लाइट के लैंडिंग के दौरान उसका टायर फट गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नागपुर से आ रहे विमान में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। मुंबई पुलिस ने डांस बार मालिकों को लाइसेंस देने का काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद भी बार मालिकों को बार खोलने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। लाइसेंस मिलने के बाद भी बार मालिकों को कई तरह के वेरिफिकेशन करवाने होंगे। 150 आवेदन देने वालों में से अब तक सिर्फ 4 को ही लाइसेंस मिल सका है। राजस्थान के कोटा में टूल बूथ पर हुए एक दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हाईवे टोल टैक्स पर बेकाबू ट्रॉली ने अपने आगे की कार में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके बाद कार अपने आगे के ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार दोनों ट्रॉली के बीच में आकर चकनाचूर हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और चित्तूर में हुए सड़क हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विजयवाड़ा में एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कॉलेज के 48 छात्र सफर कर रहे थे। वहीं दूसरा हादसा चित्तूर में तीर्थयात्रियों के साथ हुआ। ये लोग कर्नाटक से आए थे और तिरुपति जा रहे थे। सीतामढ़ी में प्यार में धोखा खाई एक लड़की गांधीगिरी कर रही है। जब लड़का शादी से मुकर गया तो लड़की उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गई। लड़की के तेवर देख लड़के का पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया। 18 मार्च को राजस्थान के पोखरण में आयरन फीस्ट होगा। इस दौरान वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शित करेगी। कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान में फंसे एक पुलिस कांस्टेबल को सेना की मदद से बचा लिया गया। अरशद मीर नाम का यह शख्स 5 फीट गहरे बर्फ में फंस गया था। खबर मिलने के बाद सेना के जवानों ने जाकर उसे बचाया। कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन को इस साल निर्धारित समय से पहले लोगों के लिए खोल दिया गया। इस डल झील के किनारे बने इस एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को हर साल 13 अप्रैल को खोला जाता है, लेकिन तापमान ज्यादा होने के बाद इसे पहले ही खोलने का फैसला लिया गया। हत्या के आरोपी को बचाने के आरोप में इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीर खारीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने खारीवाल को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इंदौर के शहजाद लाला हत्याकांड में पुलिस ने 2 भाई छब्बू और बब्बू को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी से पता चला कि इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष ने उन्हें बचाने के लिए 40 लाख रुपए की मदद की थी। साउथ वेस्ट दिल्ली के पालम इलाके में हमलावरों ने घर में घुसकर मां और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों की उम्र 50 और 16 साल बताई जा रही है। हमलावर ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। वो महिला का जानकार बताया जा रहा है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में अपने शराबी पति से तंग आकर एक महिला ने जान दे दी। पति से झगड़े के बाद महिला ने तमंचे से खुद को गोली मार दी। गुजरात पुलिस ने किडनी बेचने के एक बड़े गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। फिलहाल 13 लोगों की किडनी बेचे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ा मामला हो सकता था। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट श्रीलंका समेत कई देशों तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक कॉलेज की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि उसके साथ एक लड़के ने जंगल में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रेप करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने रेप की पुष्टि कर दी है, लेकिन वो अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। रोहतक में राष्ट्रीय स्तर के एक कबड्डी खिलाड़ी को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फरीदाबाद के गाजीपुर में बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना एक भाई को महंगा पड़ गया। बदमाशों ने भाई को चाकू से गोद कर मार डाला। लक्ष्मण ने हाल ही में 12वीं के पेपर दिए थे। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
फरीदाबाद में प्रेमिका की सगाई से नाराज एक शख्स ने एक बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मरने से पहले शख्स ने फेसबुक पर ऑडियो मैसेज के जरिए अपनी प्रेमिका और उसके घर वालों को इसका जिम्मेदार ठहराया। शख्स ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर लड़की के पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। फरीदाबाद के डी मणिपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से करोड़ों की लूट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, वहीं पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। केरल के अलपुझा में यंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सोमवार रात हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सीपीएम की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं पर लगा। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने सुनील को फोन करके घर से बाहर बुलाया और उस पर हमला कर दिया। टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बागी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फिल्म के निर्देशक शब्बीर खान का कहना है कि टाइगर एक्शन सीन को एक अलग मुकाम पर ले जाकर दर्शकों को चौंका देंगे। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह आजकल किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में बिजी हैं। ये पहली बार होगा जब आलिया और रणवीर स्क्रीन शेयर करेंगे। इस प्रोजेक्ट को की जो कुछ फोटोज है वो सामने आए। सुजीत सरकार की नई फिल्म का नाम पिंक फाइनल हो गया। इसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आएंगे। दुबई के एक कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हॉलीवुड एक्ट्रेस सलमा हया के साथ सेल्फी ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा से जब आलिया और उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब आपको मेरे चेहरे से पता लग सकता है। बेल्जियम में आतंकियों की तलाशी के दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी गई। इसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। चीन में एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक कार ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और पटरी पलटती खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेन बदलने के दौरान इस हादसे से ड्राइवर बच गया। मदर टेरेसा की मौत के 19 साल बाद संत का दर्जा मिलेगा। पोप फ्रांसिस ने इसकी मंजूरी दी। अर्जेंटीना में कुत्तों के लिए मार डेल प्लेटा नाम से एक बीज तैयार किया गया है। ये अपने आप में ऐसा पहला बीज है जिसमें कुत्तों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। टेक्सास में जबरदस्त तूफान और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। सभी कोस्ट गार्ड को तटों पर एक उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पिछले सप्ताह हुई बारिश से वहां नदियां उफान पर हैं।